मैं हूँ मजाहिर अब्बास और मेरे सब दोस्त आए हुए हैं। आज हम बिलोट में आए हुए हैं जहाँ पर एक मेला लगता है हर साल में चैत के मौसम में लगता है। ये उर्स होता है, पीर हजरत बावन पीर सही साल है रामत का उर्स होता है। तो आज हम जा रहे हैं बिलोट का मेला देखने। कैसे जी? माशाल्लाह ये सारा बिलोट शरीफ का शहर है जी। ये देखें जी, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ से बिलोट शरीफ का। आपको बिलोट में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने इकट्ठा सफ़र किया था सिंध का, तो पहले काफ़ी हम बोर हुए वहाँ पर, लेकिन आज हम बिलोट में आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि वहाँ तो हम थके हुए थे, मेला तो वहाँ पर भी था शहबाज कलंदर का, लेकिन हम इतने डिस्टर्ब थे कि वहाँ पर कोई चीज़ भी हमें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आके थकावट जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और बिलोट का नज़ारा भी आज बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बहुत दूर से आते हैं। और ये हमारे सलीम अख्तर भाई अटक से आए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं। तो अभी हम जा रहे हैं आगे जो मज़ार है, यहाँ पर मज़ार है पीर हजरत बाबन पीर शाही साल रहमत मज़ार है, वहाँ पर जाते हैं। वैसे रश तो बहुत ज़्यादा होगा, हम कोशिश करेंगे वहाँ का थोड़ा सीन कैप्चर कर लें। यहाँ पर एक कुआँ है जो हजरत पीर शाही साल रहमत के दौर का है, उस वक्त का कुआँ है, बहुत पुराना है। वहाँ पर हम जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। ये वो कुआँ है जी जो पीर शाही साल रहमत के दौर का है, काफ़ी पुराना कुआँ है और बहुत ही गहरा है जी। करे तू जरा जुल्फ़ा जान को अपना, जरा तू झील किनारे पर ये खतरे भी बहुत ज्यादा होते हैं, डर लगता है कहीं मोबाइल छीन कर भाग ना जाए। ये हैं जी मोहम्मद सादिक बलोच के मशहूर छोले, बिलोट शरीफ के बहुत ही मशहूर माशाल्लाह चोला के देख के मुंह पानी पानी है। जा मेरी है मां इधर है। हां कैसे ज्यादा है? हैं चादर के जा रहे हैं। इस टाइम बहुत जबरदस्त भूख लगी है यार, चोले खा के बात का परे नहीं है। ये हमारा दोस्त है बच्चा जो फिक्र 40 साल से तब्दील नहीं होगा। छोटे बड़े राज के छोटा जैसा